दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो हम केदारनाथ जाके आ चुके हैं, अब हम निकलेंगे त्रियोगी नारायण महादेव के मंदिर जहाँ पे शिव जी की और पार्वती जी की शादी हुई थी। इस विवाह में विष्णु जी पार्वती जी के भाई बने थे और ब्रह्मा जी ने ये विवाह करवाया था। त्रियोगी नारायण मंदिर को अखंड दूनी मंदिर भी कहा जाता है और माना जाता है जो जोड़ा यहाँ आके विवाह करता है वह 7 जन्म तक उसी बंधन में बंधा रहता है। और आज मैं और पूनम भी फिर से यहीं पे शादी करेंगे और 7 जन्मों तक एक दूसरे के हो जाएंगे। शिवजी और पार्वती जी का विवाह यहाँ पे 18,500 साल पहले हुआ था, त्रेता युग में, और इसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म स्थल माना जाता है। यहाँ पे 4 कुंड है, ब्रह्मा विष्णु सरस्वती और रुद्र, और इन ही कुंड में विवाह से पहले सभी देवों ने स्नान किया था। तो हम भी इस पवित्र जल को ग्रहण करते हैं और हमारे विवाह स्थल की तरफ बढ़ते हैं और अखंड ज्योत का दर्शन करते हुए शिवजी और पार्वती जी के विवाह मंडप की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही है वो मंडप जहाँ पे शिवजी की और पार्वती जी की शादी हुई थी और हम भी आज यहीं पे शादी करेंगे और महादेव जी और पार्वती जी के जैसे 7 जन्मों तक एक दूसरे के हो जाएंगे। और मेरे सभी दोस्तों से निवेदन है कि मेरे शादी में शामिल हो और हमको कमेंट में आशीर्वाद जरूर दें। अभी गंगा जल में सिंधु लाओ, गंगे यमुने सेवो गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले तुम सिंधु को पुष्कर ध्यान की थानी गंगा जहाँ सब सर धागा छंग पलचाणी पूजा काली सलाम इसको लोटे से जल चढ़ा दो। हाथ दवा सब लोग ओम वंदे देव मांस गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पूर्ण भूषणम वंदे पशुनामपति वंदे सूर्य सांग वंदनम वंदे वंदे वर्षा प्रथम वंदे शिवम शंकरम जय ये सिंदूर चढ़ाओ। ओम श्री सती लक्ष्मी सबद नाम भौराते पारस्वी आलिया गर्भ जो श्री सती लक्ष्मी सबद नाम भौराते पारस्वी निकटान अक्षेत्रम पत्रम पुष्पम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। श्रृंगार द्रव्यम आभूषणम श्रृंगार द्रव्यम आभूषणम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। बाल भोग नैवेद्यम निवेदयामि। ओम श्री सदे लक्ष्मी सबद नाम भौरात्रे पारस्वी नक्षत्राणि रूपमशो व्याप्तम यहाँ चढ़ा दीजिए। सब वही है उसमें थोड़ा चावल रखिए। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे दादा के दादा भी यहाँ आके शादी कर चुके हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणेशं वेणुं सुमंगलं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यां गम्यं वंदे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं तुमेव माता सीता तुमेव तुमेव बन्धो जस्का तुमेव तुमेव विद्या गणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवो। ओं सशङ्क्रं सकरे कुण्डलं सफीदवसं सरसेवित्रं सारवक्षस्थल्पद्वाचं नमः विष्णो सिद्धां तुभ्यं। ओं यानि कान्य वापानि धर्माञ्जनकृतानि च तानि सर्वाणि न सन्तोषाणि देवदे मन्दिरं किरायिनं भक्तिनं सुरेश्वं यस् भूतं मया देवी परिपूर्णं तदस्मै धूपं दर्शनं बृहस्पतिरसोत्पन्नं गन्धाढ्यं गमनहराणां सर्वदेवानां धूपोयां प्रतिज्ञातां धूपं समर्पयामि। ओम द्योहो शांति रंजन शांति भूमि शांति रापा शांति उदय शांति वनस्पति शांति विश्वानि देव सब दुख काली बाय यह पद मंत्र नागम शांति शांत भवतु। हाथ में पानी लो, 3 बार बोलो हरिओम हरिओम तत्सत् हरि हरि विष्णु विष्णु नमः परमात्मे प्राण प्रकोतमाया श्रीमद भगवतो महाप्रकाश विश्वराज परत्मा जाते ब्रह्मण दुर्य प्राणी 12 संकल्पे भय वसुर मन मंत्रे अष्टादश सप्तमे कलयुगे कल्पतंत्रणे जम्मू दीपे भारतमे भारतवर्षे तस्ना मध्ये नल नाम संवत्सरे सूर्य दक्षायनो वत्सातो भाद्रपद मासे सुखी पक्षे काम सुखो भाषणांतर्गत धूम भाषण यज्ञ जयमान भूतोत्पन्न नाम सर्वसूर हासी गंतव्यम अपने राशि में एक मिथुन दो जो व्यय सपुनम सपरिवार सहित यात्रा करमणि मध्यान्ह काल ब्रह्म कुंड रुद्र कुंडात्म सूर्य स्नान करमणि विष्णु कुंडात्मकन धर्मशिला महादेव पार्वती विवाह स्थान मंडप समस्त पूजन अर्चन कर्मणि कर्तव्यम ब्राह्मण दक्षिणा हरिओम तत्सत् श्री कृष्णाय नारायणाय सार्वभौमस्तु सुजाता चरणे कल्याणम भूयात्। अभी महाराज जी स्त्री का दान दो तो माता जी आपका जैसे भगवान ने भारद्वाज को ब्राह्मण आया कौन बोल रहा है आपका।
तो दोस्तों दूसरी बार शादी कर ली, वो भी पूनम से ही। तो अब चलते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों आज फिर मैंने एक बार और शादी कर ली है, उसके साथ की मेरी मम्मी और मेरी बहन है। और आज तारीख कितनी है पूनम? 30 अगस्त है 2022 में मैंने फिर से शादी कर ली है। अब और लुगाई सेम ही है और अब सातों जन्म यही रहेगी, ठीक है। तो अब इसी के साथ काम चलाना है सात जन्म तक अगले। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी शादी और ये महान पवित्र मंदिर जहाँ पे शिवजी और पार्वती जी की शादी हुई थी? कमेंट करके हमको ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो हमारा होगा गुप्त काशी का, जहाँ पे शिवजी ने पांडवों से छुपने के लिए अज्ञातवास किया था।